Hey guys, my name is Pawan Rajput और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ how to learn this marketing for free. ठीक है, so काफी important topic होने वाला है for beginners and for to those कि जो चाहते हैं free में digital marketing सीखना हो जाए instead of investing में कोई भी ऐसा आपको चीज नहीं बताऊंगा कि जिससे आपको मैं बोलूँ कि invest करना चाहिए. हालांकि invest करना काफी अच्छी बात है, मैं दोनों वे से मैं बात करूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या कुछ एडवांटेज है, इन्वेस्ट नहीं करते हो तो क्या कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक इन्वेस्ट ठीक है और एक होता है फ्री. ठीक है, बट मैं इस वीडियो में फोकस करूंगा आपको फ्री के बारे में ज्यादा बताओ और इन्वेस्टमेंट में क्या कुछ आता है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हम ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे. बट आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं कुछ अगर इन्वेस्ट करूँ तो मेरे को किधर एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, आप कमेंट कर दो. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट में आते हैं कोर्सेस, ठीक है, दूसरा आता है मेंटरशिप, वन ऑन वन मेंटरशिप, तीसरा आता है ट्रेनिंग्स. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन्स है कोर्सेस, हम इसको ई-बुक भी कर देंगे अपन. ठीक है, और जो फ्री में आता है आपको पता होगा, बट स्टिल मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी फ्री में भी अच्छे से सीखने के लिए. इवन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जो आपको इन्वेस्टमेंट जैसा सीखने में हेल्प करेंगे और आपको सही डायरेक्शन में आपको जाने में हेल्प करेंगे. ठीक है, फ्री के वेज होते हैं जैसा यूट्यूब, अब जैसा मैं अभी आपको कुछ वीडियो दे रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, यू आर लर्निंग राइट. तो ऐसे ही काफी सारे यूट्यूब के ऊपर आपको लोग मिल जाएंगे जहाँ से सीख सकते हो, आपको पता है. ठीक है, बट काफी कुछ मैं बताऊंगा इसके बारे में. ठीक है, एक हो गया कि आप ब्लॉग से सीख सकते हो, दैट मीन्स आप गूगल से सीख सकते हो, गूगल को आपने पूछा एंड उन्होंने आपको आंसर दे दिया. ठीक है, सो बेसिकली ओवरऑल दो हम वे पकड़ लेते हैं इसमें, पॉडकास्ट वगैरह वगैरह उसको बाजू में रखते हैं, यूट्यूब एंड ब्लॉग, दैट मीन्स यूट्यूब एंड गूगल फ्री में सीखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है और जरिया है जहां से आप फ्री में सीख सकते हो. बट क्वेश्चन इज दैट कि इन्वेस्टमेंट में जब आपको इन्वेस्टमेंट करते हो और फ्री में, मतलब अगर फ्री में चीज मिल रही तो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर एक हल्का सा रीजन मैं बता देना चाहता हूँ. जब देखो आप जब कोई कोर्स या मेंटरशिप ट्रेनिंग ई बुक जो आप खरीदते हो तो बेसिकली जिस चीज के लिए आप पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स, ठीक है, एक कोर्स है और वो कोर्स में उस बंदे ने क्या किया है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक का उसने क्या कुछ होता है डिजिटल मार्केटिंग में. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे होता है कि 100 तरीके की चीजें होती है, करने को 100 तरीके की चीजें कर सकते हैं, बट वो बंदे ने हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करा है और आपको सब कुछ कंटेंट, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा है. कुछ डाउट है आप उसको पूछो, बिकॉज यू हैव पेड देम मनी. ठीक है, तो आपको एक जगह पे अच्छे से सिखा देगा एंड दैट्स योर एडवांटेज कि आपका यहाँ पर टाइम बच रहा है और आपको सब कुछ चीजें जो सीखने के लिए चाहिए होता है मटेरियल, वो सब कुछ एक जगह पे आपको मिल रहा है और ये इसका बेनिफिट है कि आप कोर्स लो. बट फ्री में ऐसा नहीं होता है, फ्री में हमको यूट्यूब या फिर ब्लॉग या गूगल ऊपर हमको सर्च करना पड़ता है जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है. अब मैंने ये सर्च करा, ठीक है, मैंने 2 से 3 यूट्यूब के फ्री वीडियो देख लिए, कुछ ब्लॉग्स देख लिए मैंने, ठीक है, खत्म. मैंने बाद में मेरे को और एक बार सर्च करना पड़ेगा टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और फिर डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या टाइप्स है, फिर वो हर एक जो उसमें टाइप्स मिलेंगे आपको यूट्यूब एड पेड चैट वगैरह वगैरह जो भी मतलब टाइप से लेके कैटेगरी मिलेंगे आप वो मैन्युअली गूगल के ऊपर आपको सर्च करना पड़ेगा एंड देन फिर आप पढ़ते जाओगे. अब इस यहाँ पर आपको क्या है, 100 ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप 100 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं सीखूँ तो सीखूँ, कहाँ से सीखूँ एंड मेरे को किस कोई जब मेरे को सिखा रहा है तो मेरे को समझ में किस से अच्छे से आ रहा है. तो कोर्सेस में आप कोर्स उन्हीं का ही लेते हो ना कि जो आपको लाइक समझ में आ रहा हो वो बंदे का, बिकॉज थ्रू आउट द कोर्स कम्प्लीट वो आपको सिखाने वाला है, वो आपको सपोर्ट देने वाला है, ट्रेनिंग देने वाला है, मेंटरशिप देने वाला है, मेंटरशिप इन द सेंस की वन ऑन वन हेल्प. ठीक है, आप मेरे साथ मीटिंग करो एंड आई विल हेल्प यू टू अचीव यूर रिजल्ट, ये एक है.
बट यूट्यूब और ब्लॉग पे इतना पर्सनलाइजेशन नहीं मिलता है जैसे लोगों ने कंटेंट डाला है, जैसे आप सर्च करते हो, जैसे आप खुद से आगे हो कि आपकी क्यूरियसिटी आप गूगल को यूट्यूब को बताते हो, बेस ऑन दैट आपको रिजल्ट मिलते हैं और आप फिर वहां से नॉलेज कंज्यूम करके सीख सकते हो। इवन आई पर्सनली रन फॉर फ्री एंड यस आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, बट इनिशियली फ्री में ही सीखा है। तो यूट्यूब ब्लॉग बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर फ्री में भी सीखना है तो कैसे सीखना है वो, बिकॉज लुक कंफ्यूजन होता है, काफी सारे आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे। प्लस इसमें मैं आपको एक चीज भी बोलूंगा, फ्री में अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको ये करना है कि जो उस इंडस्ट्री में या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ टॉप लेवल पे कुछ डिजिटल मार्केटर्स हैं, कुछ टॉप लेवल के हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता दूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिजिटल प्रतीक। अब ये डिजिटल प्रतीक जो है हिट ओनली टॉक्स अबाउट द पर्सनल ब्रांड, ठीक है। ये पूरा इनका फोकस होता है डिजिटल एंड पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। सो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जो पॉइंट आता है छोटा सा पर्सनल ब्रांडिंग वो सीखना है, वो पर्सनल ब्रांडिंग से आपको अच्छा खासा अमाउंट बनाना है और करियर बनाना है, तो फिर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इनका जो भी फ्री का कंटेंट है आप इनको कंज्यूम कर दो। नंबर टू, जैसे टॉप है कि भाई सौरव जैन जो एक एजेंसी चलाते हैं, वो एक स्पीकर भी है, ऑथर भी है, सो ही इज लाइक मल्टीपल चीजों में वो चीजें सिखाते हैं, मतलब इनको भी फॉलो कर सकते हो। स्पेशली आई वुड से कि इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड नाउ डेज आई एम सीइंग देम इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड एज अ कंसल्टेंट एज ए एजेंसी ओनर आप उनको देख सकते हो। उसके बाद है डिजिटल दीपक जो कि डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, ही हैज हिट्स ओन इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑल दो स्टफ, ठीक है। ये तो मैं दो से तीन एग्जाम्पल ही दिए विच आई पर्सनली फॉलो देम। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में है ना 100 तरीके की चीजें होती है, ठीक है। फिर मैं सीखू तो सीखू क्या सीखू, तो आपको क्या करना है ना, नीच डाउन करते जाना है एकदम नीच डाउन। मतलब मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपने देखा कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आपने कोई यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया उसमें पता चलेगा ये टाइप्स होते हैं और आपको समझ में आ गया। तो आप हर एक चीज थोड़ी 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 मतलब आप ब्लॉगिंग करो, आप एड्स चलाओ, राइट, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करो, हर चीज थोड़ी 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 करो, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस लो एंड देन आपको समझ में आएगा कि नहीं मेरे को इस पर्टिकुलर चीज में जो है मजा आ रहा है और ये चीज मेरे लिए मेरे को सही लग रही है। फिर आप वो एग्जाम्पल के लिए आपको फ्रीलांसिंग अच्छी लग रही है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपको फेसबुक ऐड काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्किल जो डिजिटल मार्केटिंग में होती है SEO वगैरह, आप उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, बस उसका बेसिक नॉलेज रखो। पर आपको फेसबुक ऐड में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आप क्या करो, गूगल पे जाके सर्च करो, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेड एड्स, ठीक है। हम अपने एक काम कीजिए, अभी एड्स एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं सिंपली ऐसा सर्च करता हूँ तो यू मे फाइंड कि आपको कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे। बट बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ कि आपको हायर करना है, बट आपको क्या करना है ना, मैं सिंपली बोलता हूँ आप फेसबुक ग्रुप से या फिर गूगल से आपको या फिर यूट्यूब चैनल से आपको कुछ एक्सपर्ट्स मिलेंगे, बीएड्स एक्सपर्ट, जैसे कि ये साहिल खन्ना है जिनका अपना खुद का कोर्स भी है, ठीक है, फ्री कोर्स है। तो आपको लगता है कि यार ये बंदा काफी एक्सपर्ट है और मेरे को इसका समझ में आ रहा है तो आपको बंदे को फॉलो कर दो। पर या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि देखो आपको मार्केट में ना 100 बंदे मिलेंगे सिखाने, बट आपको सरेंडर करना है किसी भी एक के ऊपर, किसी भी एक के ऊपर कि ये जो भी मेरे को एक्शन प्लान दे रहा है, जो भी मेरे को सिखा रहा है, मेरे को A to Z फॉलो कर रहा है, मेरे को किसी और से सीखना ही नहीं है, मैं सिर्फ उसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखूंगा, मैं सिर्फ उसके जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट के ऊपर जो न्यूज लेटर होता है उसको सब्सक्राइब करके रखूंगा, उसके पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके रखूंगा, उसके कंटेंट ज्यादा तक कंज्यूम करूंगा, उसके सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करूंगा, वहां पर ज्यादा मैं उसके साथ इंगेजमेंट करूंगा, ज्यादा मैं उसको उसके क्लोज जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो इंडस्ट्री में जो टॉप डिजिटल मार्केटर उसमें से कोई भी एक एक्सपर्ट चूज कर लो एंड सरेंडर योर सेल्फ टू देम। और जो भी वो सिखा रहे हैं ऑब्वियसली वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिखा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि 100 तरीके की चीजें सिखा रहे हैं, तो आपको भी उस चीज में इंटरेस्ट है, उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो फिर उसे जितना हो सके उतना उन्हीं से ही सीखो, आप 4-10 गुरु से मत सीखो, ठीक है। सरेंडर योर सेल्फ टू 1 पर्सन और उन्हीं से ही आप सीखो। तो हो सकता है कि कई बार जो आप गुरु को फॉलो करो, जो भी पर्सन को फॉलो कर रहे हो, वो पर्सन के फ्री के कोर्स भी होते हैं, तो आप वो फ्री के कोर्स कंज्यूम करो,
ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी फ्री के कोर्स मिलेंगे आपको। कोर्स जैसे मैंने कहा कि सब कुछ नॉलेज एक जगह पे, तो फ्री में के प्लेलिस्ट भी मिलेंगे आपको, एक सब कुछ नॉलेज एक जगह पे, तो इट्स काइंड ऑफ बेनिफिशियल थी। और ओवरऑल सरेंडर टू वन पर्सन, सरेंडर टू वन नीश, सरेंडर टू वन स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और ये ऐसे आप जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग फ्री में भी सीख रहे हो, बट प्लीज डोंट कंफ्यूज विद मल्टीपल ऑप्शंस, प्लीज डोंट कंफ्यूज एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ वन टाइम। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया, डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मेरे को चैनल के ऊपर फॉलो करो। सो सी यू इन अदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।